जी तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है रावलपिंडी पहुँचे हैं। थका देने वाला सफ़र था लेकिन इंजॉय किया काफ़ी बच्चों ने भी, हम लोगों ने भी। जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जी तो दोस्तों चलते हैं अंदर, ट्रेन पहुंच चुकी है, मिलते हैं बाकी सब अहबाब से। ओ ये ऊपर बर्थ पे माशाल्लाह प्यारी सी महानूर और फातिमा बैठे हुए हैं और इस तरफ हमारा फरहान बैठा हुआ है। तो चलें दोस्तों करते हैं सफ़र शुरू। जी तो अभी मुस्तफ़ा भाई जो है वो विंडो ओपन कर रहे हैं ताकि बाहर का नज़ारा देख सकें हम। और दोस्तों ये ज़िया भाई हैं और ये मेरे सामने मुस्तफ़ा भाई बैठे हुए हैं और ज़िया भाई के उस तरफ जो है वो रेहान है, वो भी नज़ारों को एंजॉय कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं पूछ रहा था कि खासी ट्रेन जो है खासी हिल रही है, तो चूँकि उन्होंने बताया कि आखिरी जो है वो बोगी है ट्रेन की, इस वजह से ट्रेन जो है वो खासी जो है वो उसमें हिल रही है। और ये ऊपर बर्थ पे फातिमा और रबिया जो हैं वो एंजॉय कर रही हैं जी। और इस तरफ खिड़की से बाहर झांकते हुए रेहान अपनी धुन में मस्त सफ़र एंजॉय कर रहे हैं ट्रेन का। दोस्तों आपको बताता चलूं, मैंने भी लास्ट जो ट्रैवल किया था ट्रेन का वो 1996 में, ऑलमोस्ट आफ्टर 26 इयर्स जो है वो मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है और बड़ा मज़ा आ रहा है, ख़ासा शोर है लेकिन दोस्तों इसकी अपनी इंजॉयमेंट है और फैमिली के साथ ट्रेन का सफ़र भी करना चाहिए कभी कभार, तो ख़ासी अच्छी फीलिंग आ रही है दोस्तों। यूँ ट्रेन का कभी स्पीड पकड़ना और फिर नया शहर आते ही उसका धीमा अंदाज बड़ा ही सुरूर बख्श है। और दोस्तों अभी हम लोग जो है वो वज़ीराबाद रेलवे स्टेशन पर पहुँचने वाले हैं, तो चलें फिर चलते हैं, आपसे फर्दर शेयर करेंगे। ये जी वज़ीराबाद जंक्शन था, वज़ीराबाद रेलवे स्टेशन, मैंने कहा आपको दूसरी साइड दिखा दूँ। और अब ट्रेन जो है आहिस्ता आहिस्ता वज़ीराबाद रेलवे स्टेशन को पीछे छोड़ती हुई आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की तरफ रवाना दवा है। और दोस्तों आप देखेंगे कि ये आहिस्ता आहिस्ता स्पीड पकड़ेगी और फिर जो है अपनी मंजिल मकसूद पर गामजन हो जाएगी। हाँ जी बहुत गंदा हुआ हुआ है लग रहा है। जी तो नाज़रीन जैसा कि आप देख रहे हैं अभी हम लोग खाना एंजॉय कर रहे हैं और बहुत ही मज़ेदार जो है वो चिकन टिक्का बोटी जो है वो मुस्तफ़ा भाई ने बना के लाए हैं और सबकी तवाज़ो कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी फीलिंग है। ये भी एक नया एक्सपीरियंस है, बहुत ही अच्छा लग रहा है ट्रेन की इस स्पीड में और इस रफ्तार पर रफ्तारी के साथ रवाना दवाएँ और हम लोग खाना एंजॉय कर रहे हैं। और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो है अभी हम दरिया चनाब जो है वो क्रॉस कर रहे हैं और जीटी रोड से तो बहुत दफ़ा देखा, बहुत ज़्यादा देखते रहे हैं इसको दरिया चनाब को, लेकिन आज जब वाया ट्रेन सफ़र कर रहे हैं तो इसका अपना ही एक जो है नज़ारा है।
जी तो खाना खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही मज़ेदार खाना था। तो दोस्तों अभी आपको बाहर का नज़ारा दिखाते हैं, अपना सफ़र जारी रखे हुए हैं हम लोग। तो बहुत ही असर का ऑलमोस्ट टाइम है और बड़ा ही जो है सूरज ढलने का अभी टाइम हो रहा है और सब्ज़ लहलहाती फसलें बहुत ही खूबसूरत जो है वो नज़ारा पेश कर रही हैं। तो चलते हैं फिर अपना आगे आपसे फर्दर जो है वो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो मैंने सोचा कि खाना खा लिया है तो क्यों ना थोड़ा सा जो है वो सस्ता लिया जाए। तो अभी बर्थ को इंजॉय कर रहे हैं और वैसे भी इतने सालों के बाद जो है मैंने कहा ट्रेन का सफ़र है तो सारी इसके पूरी तरह से जो है महसूस होना चाहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी मेरे सामने जो है वो रेहान है और बच्चे ज़्यादातर इंजॉय कर रहे हैं जिस वक्त बर्थ को। हम लोग अभी जो है वो लाला मूसा पहुंचने वाले हैं और कुछ ही देर में हम लोग जो है वो लाला मूसा रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाएंगे। जी, लाला मूसा जंक्शन। बस ठीक है बैठ। जी तो बिलाखिर हम लोग जो है लाला मूसा जंक्शन पे पहुंच चुके हैं और दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं हर जो रेलवे स्टेशन है और हर जंक्शन जो है हर सिटी का उसकी अपनी एक खूबसूरती है। तो अभी जो है विसल हो गई है और हम लोग जो है अब लाला मूसा से अपनी मंजिल की तरफ रवान होंगे। जी तो बिलाखिर हम लोग जो है लाला मूसा जंक्शन पे पहुंच चुके हैं और दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं हर जो रेलवे स्टेशन है और हर जंक्शन जो है हर सिटी का उसकी अपनी एक खूबसूरती है। तो अभी जो है विसल हो गई है और हम लोग जो है अब लाला मूसा से अपनी मंजिल की तरफ रवान होंगे। ये छह लाला मूसा है, लाला मूसा दो बार मुझे मजा आया। ये छह कुछ भी नहीं हुआ मुझे। मुसाफिरों को पीछे छोड़ते हुए हैं जी मंजिल की तरफ रवाना। जी मैं बढ़ाऊं
चले आप कहते हैं तो मैं मान जाता हूँ, तो मैं पढ़ाऊँ। जी तो नाज़रीन, अभी हम लोग जो है वो झेलम रिवर को, दरिया झेलम को जो है क्रॉस कर रहे हैं, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा कैमरा अगर ग़ुरूब आफ्ताब को, सनसेट के जो मंज़र है, ख़ूबसूरत मंज़र को कैच कर सके। दोस्तों ये तो मुझे नहीं पता, दरिया चनाब के साथ तो सोनी माहिवाल की जो एक रोमांस लव स्टोरी जो थी एसोसिएटेड है, हो सकता है दरिया झेलम के साथ भी कुछ एसोसिएटेड हो। इसका एरिया ख़ासा ज़्यादा है दोस्तों, और इस वक्त चूँकि विंटर है तो पानी का जो लेवल है वो काफ़ी कम है। तो दोस्तों अभी हम लोग जो है वो झेलम जो है वो पहुँच जाएंगे। जी तो दोस्तों हम लोग जो है वो झेलम रेलवे स्टेशन पे पहुंच गए हैं। बड़ा ही ओल्ड स्टाइल है लेकिन यूनिक है, बहुत ही खूबसूरत जो है लग रहा है। बाकी जो रेलवे स्टेशन हैं उनकी नस्बत जो है वो बेहतर लग रहा है। फ्लैग्स, पाकिस्तानी फ्लैग जो हैं वो अवेज़ा किए हुए हैं, और सीटिंग अरेंजमेंट भी माशाल्लाह प्लेटफॉर्म की खासी अच्छी लग रही है। और माशाल्लाह प्लेटफॉर्म के बिल्कुल करीब जो हैं वो डिफरेंट जो हैं वो टी स्टॉल वगैरह जो हैं इंस्टॉल हुए हुए हैं दोस्तों, तो ख़ासा अच्छा लग रहा है। और साथ ही मस्जिद और दीगर जो है ज़रूरियात ज़िंदगी का जो है, और अभी हम लोग जो है वो झेलम से स्टेशन से निकल रहे हैं। नाज़रीन अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके, बहुत ही ख़ूबसूरत मंज़र जहाँ तक नज़र जाती है, लश ग्रीन फील्ड्स हैं, और उससे ज़्यादा जो एक दिलकश नज़ारा है वो इसके दरमियान में जो हैं मुख्तलिफ़ जो हैं लोगों ने घर बनाए हुए हैं, और इनके चारों इतराफ़ में जो हैं लश ग्रीन फील्ड्स अपनी ख़ूबसूरती का एक दिलकश नज़ारा पेश कर रही हैं। जी नाज़रीन ये देखें, सर्दियों की सर्द शाम और सूरज ग़ुरूब होने का मंज़र, और ऊपर से सतह मुर्तफ़ा पोटोहार, सभी अपनी ख़ूबसूरती में अपनी मिसाल आप हैं। जी तो नाज़रीन एक और बहुत ही दिलफरेब और ख़ूबसूरत मंज़र है सूरज ग़ुरूब होने का, और जैसा कि आपने देखा दोस्तों हम जो हैं दो दरियाओं को अबूर करते हुए और लहलहाती फसलों को पीछे छोड़ते हुए अपनी मंजिल की तरफ रवाना हैं।
जी तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है वो कोई चार साढ़े चार घंटे की मुसाफत के बाद जो है वो रावलपिंडी जो है वो पहुंच चुके हैं। ये हमारी ट्रेन लगी हुई है जी, और ये सब जा रहे हैं गेस्ट जी। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है रावलपिंडी पहुँचे हैं। थका देने वाला सफ़र था लेकिन इंजॉय किया काफ़ी बच्चों ने भी हम लोगों ने भी। जी तो दोस्तों रेलवे स्टेशन से हम लोग जो है सीधा इनके मामू की तरफ पहुंचे हैं, और फंक्शन जो था मेहंदी का वो चल रहा था दोस्तों। इसके बाद मेहमानों की जो है वो खाने से तवाज़ो की गई, और हम लोगों ने जो है वो ड्रेस चेंज करके जो है फंक्शन इंजॉय किया। आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी काफ़ी पसंद आई होगी। काइंडली जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।